हेलो नमस्कार व सम्यक दोस्तों, आपका कुकिंग विद रोंगपा में स्वागत है। आज मैं एक दाल दो रेसिपी की थीम लेके आया हूँ। उसके लिए मैंने लिया है उड़द की दाल या काली दाल, जिसे मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगा। पहला तरीका पारंपरिक व ऑथेंटिक रेसिपी है, जिसमें कोई मसाले नहीं पड़ेंगे, वो लोहे की कढ़ाई में बनेगी। वहीं दूसरी रेसिपी को मैं प्याज टमाटर और मसालों के साथ बनाना बताऊंगा। इसे उत्तराखंड में चौंसा या चौंसू की दाल के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड की फेमस करी है, जिसे चावल के साथ परोसी जाती है। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ कुकिंग के स्टेप्स मिलाइए, बाकी स्वाद की गारंटी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, चौंसा की दाल की दोनों रेसिपी के लिए मैं लूंगा दो छोटी कटोरी उड़द की दाल या काली दाल, नमक लगभग 4 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, दोस्तों 2 टेबलस्पून कलर के लिए देगी मिर्च, गरम मसाला 2 टेबलस्पून, सरसों का तेल लगभग 6 टेबलस्पून, 2 मीडियम साइज टमाटर, 3 मीडियम साइज प्याज, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून घी, लगभग 4 हरी मिर्च कटे हुए, 2 टेबलस्पून दरदरा पिसा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून दरदरा पिसा हुआ लहसुन, और तड़के के लिए 2 टेबलस्पून जम्बू फरण। अब बारी उड़द के दाल को पीसने की। मिक्सर ग्राइंडर जार में 2 कटोरी काली दाल को पीसने के लिए डाल देंगे। यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक बाउल के लगभग हम केवल दरदरा या मोटा पीस के अलग निकाल लेंगे, जिसे हम ऑथेंटिक चौंसा कड़ी रेसिपी के लिए बाद में यूज करेंगे। बाकी बचे एक बाउल उड़द की दाल को हम लगभग बारीक पीस लेंगे, जिसे हम दूसरी नई रेसिपी के लिए यूज करेंगे। दोस्तों, बारीक पिसी दाल को हम नई तरीके से चौंसा करी व दरदरा पिसी दाल को हम ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक चौंसा करी रेसिपी के लिए यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, चौंसा की नई रेसिपी के लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून लगभग सरसों का तेल गरम करते हैं। तेल अच्छे से गरम होने पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लगभग जीरा, 1 टेबलस्पून दरदरा पिसा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून दरदरा पिसा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून कटी हरी मिर्च, और इसे थोड़ी देर धीमी आंच पर सौते कर लेंगे। अब पारी प्याज की, इसे भी डाल के लगभग 2 मिनट तक धीमी आंच पर लाइट ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। और कटे हुए टमाटर के साथ 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और लगभग 3 मिनट तक मध्यम आंच पर करछी चलाते हुए वो ढककर इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और टमाटर सॉफ्ट होने के बाद ऐड करेंगे मसाले। इसमें 2 टेबलस्पून देगी मिर्च, कलर के लिए मैं यूज करूंगा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक 1 कप पानी डाल के इसे पका लेंगे। मसालों के मिक्स होने के बाद 1 कटोरी बारीक पिसी उड़द की दाल ऐड कर लेंगे और धीमी आंच पर लगभग 3 मिनट तक करछी चलाते हुए थोड़ा सौते कर लेंगे। 1 गिलास गर्म पानी ऐड करें और अच्छे से करछी चलाते हुए दाल को पकाएं। मैं इस बात का ध्यान देना होगा कि दाल की गांठें नहीं बनने पाए। करछी की मदद से दाल की गांठों को दबाते हुए इसे गाढ़ी होने तक पकाएंगे।
करी जब स्मूथ हो जाए तब लगभग 4 गिलास गर्म पानी ऐड करेंगे और लगभग 20 मिनट तक धीमी आंच पर ढक्कन चढ़ा के पका लेंगे। अब लगभग 20 मिनट की कुकिंग के बाद कढ़ी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम नमक 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और लगभग 2 मिनट तक स्लो कुक करेंगे। फाइनली एक बार नमक की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और कम लगे तो अपने अनुसार ऐड करेंगे। दोस्तों, चौंसा की नई कढ़ी रेसिपी अब उबाल मारने लगी है। यही वो मोमेंट है जब हम आंच को बंद कर देंगे और फ्रेश धनिए से इसे गार्निश कर लेंगे। फाइनली हमारा न्यू स्टाइल चौंसा कढ़ी रेसिपी तैयार है। दोस्तों, अब ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल चौंसा भात कढ़ी के लिए लोहे की कढ़ाई में 3 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। अच्छे से गर्म हो जाने पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून दरदरा पिसा अदरक और इसे सौते कर लेंगे। और ऐड करेंगे 2 कटी हरी मिर्च। अब ऐड करेंगे जम्बू फरण का तड़का लगभग 2 टेबल स्पून, जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि एक प्रकार की जड़ी बूटी है। इसके कई सारे मेडिसिनल खूबियां हैं। थोड़ी देर सौते करने के बाद अब एक कटोरी दरदरा पिसा हुआ उड़द की दाल को ब्राउन होने तक धीमी आंच पर करछी चलाते हुए भूनेंगे। दोस्तों, एक बार दाल भुन जाए तो उसमें ऐड करेंगे गर्म पानी लगभग 4 गिलास और लगभग 20 मिनट तक मध्यम आंच पर करछी चलाते हुए इसे 3/4 पानी रिड्यूस होने तक पकाएंगे। अभी जो करी का कलर है वो लाइट कलर है, जब कढ़ी गाढ़ी होने लगेगी तो ये लाइट ब्लैक कलर में आ जाएगी, तब समझो हमारी दाल गल गई। लगभग 20 मिनट की कुकिंग के बाद कढ़ी 3/4 तक रेडीज हो गई है। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नमक और लगभग 5 मिनट तक इसे स्लो कुक करेंगे। अब जैसे ही कढ़ी का कलर लाइट ब्लैक हो, हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। फ्लेम को आप बंद कर देंगे। धनिए से इसे गार्निश कर लेते हैं। हमारा ऑथेंटिक चौंसा कढ़ी रेसिपी तैयार है। तो फाइनली हमारी दोनों ऑथेंटिक और न्यू रेसिपी ऑफ चौंसा भात कढ़ी की प्लेटिंग और टेस्टिंग कर लेते हैं। जो नई रेसिपी है उसका कलर और टेक्सचर येलोविश है, जबकि ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक का कलर लाइट ब्लैक है। लेकिन मुझे दोनों रेसिपी टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, आप भी मेरे साथ इन दोनों रेसिपी को बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट चौंसा भात कढ़ी कौन सी है। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड की ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक रेसिपीज को आप तक पहुँचाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुकिंग विद रोंगपा में को अपना प्यार दें व सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। सो गाइस, टिल देन सी यू एंड गुड बाय।